हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं टीम के, वो जो हैं आपको शायद खेलते हुए ना दिखें आईपीएल के बचे हुए सीजन में, अगर आईपीएल कंडक्ट होता है इस साल तो। ऐसे में अब उसी को कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक स्टेटमेंट आ रहा है केविन पीटरसन का, जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन भी हैं, इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंग्लैंड के जो टॉप ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, यानी कि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं जॉफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स और जॉश बटलर, साथ ही साथ ओयन मॉर्गन की, कि इन सभी क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं जो है जो लीग है उसको खेलने के लिए अगेंस्ट जाना पड़ेगा ईसीबी के, यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के। ऐसे में अब जो है जो आर्ग्यूमेंट था, जो जिस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट बन चुका है, एक तरीके से केविन पीटरसन ने अपना जो एक स्टेटमेंट रखा है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं वो याद दिलाना चाह रहे हैं 2009 का वक्त, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए केविन पीटरसन सेलेक्ट हुए थे। कप्तानी भी उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की करी थी। इसके साथ साथ तब जो है कहीं ना कहीं उनकी ईसीबी से कहीं ना कुछ तो जो है खटपट हुई थी, जिसकी वजह से केविन पीटरसन के जो रवैया है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा था। उसके बाद हमने देखा है कि लगातार प्लेयर्स जो हैं हमको देखने को मिले हैं आईपीएल में खेलने के लिए, क्योंकि पहले कुछ सालों में, शुरुआती सालों में ईसीबी जो है इतना सपोर्ट नहीं करता था आईपीएल को, लेकिन हमने धीरे धीरे देखा है कि बड़े स्टार के रूप में जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलते हैं आईपीएल में, और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया रिकग्निशन भी उनको मिलता है, बहुत ही शानदार उनका स्वागत रहता है पूरे के पूरे। अगर आईपीएल में आप देखें, रिसेंटली जॉश बटलर ने भी एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने धन्यवाद किया था इंडिया एज ए नेशन और साथ ही साथ बीसीसीआई का। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्टार प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, और क्या इंग्लैंड के प्लेयर्स हमें जो आने वाला सीज़न है, यानी कि जो बचा हुआ सीज़न है, उसमें इंग्लैंड के खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या जो है इंग्लैंड प्लेयर्स को करना चाहिए, क्या उनको जो है केविन पीटरसन ने जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, या फिर जो एशले जाइल्स जो ईसीबी के डायरेक्टर हैं, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हम उन्हें कह सकते हैं, तो वो उन्होंने जिस तरीके से सारी चीज़ें बता दी, तो उसके अकॉर्डिंग किसको जो है इंग्लैंड क्रिकेटर्स सपोर्ट करेंगे, ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जाते जाते बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर पे रहें, स्टे होम स्टे सेफ का जो एक नारा है उसी को जो है बिल्कुल हमें कायम रखना है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत कुछ काम आपको तो या बाहर निकलिए, अदरवाइज़ आप घर पे ही रहिए। स्टे होम स्टे सेफ का जो नारा है उसे बिल्कुल जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए।